अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नैन आबदी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2018 अराउंड द कॉर्नर है। मेरा न्यू ईयर पे ये खास करके यंगस्टर्स को मैसेज है कि 2018 में अपने और अपने एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें, अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव करें, और जिस फील्ड में भी काम करें वहाँ पर प्यार मोहब्बत और यूनिटी के साथ मिलजुल कर काम करें। और आई एम श्योर 2018 में आपके पास बहुत से चैलेंजेस आने वाले हैं, उसका डट के मुकाबला करें और हर चीज़ अल्लाह के हाल पर छोड़ दें और उसी पर तवक्कल करें। आई एम श्योर कि आपकी टेंशनों में ज़रूर कमी आएगी। और डिस्पाइट ऑफ द जेंडर, दुआ और सपोर्ट करें पाकिस्तान के हर खेल को, पाकिस्तान की उस हर फील्ड को जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की और इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस साल हमें बहुत याद रखा, हमें बहुत दुआएँ दी, बहुत सपोर्ट किया। आई एम रियली रियली थैंकफुल। गुड लक, स्टे ब्लेस, हैव अ गुड गुड न्यू ईयर 2018। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नैन आबदी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2018 अराउंड द कॉर्नर है। मेरा न्यू ईयर पे ये खास करके यंगस्टर्स को मैसेज है कि 2018 में अपने और अपने एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें, अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव करें, और जिस फील्ड में भी काम करें वहाँ पर प्यार मोहब्बत और यूनिटी के साथ मिलजुल कर काम करें। और आई एम श्योर 2018 में आपके पास बहुत से चैलेंजेस आने वाले हैं, उसका डट के मुकाबला करें और हर चीज़ अल्लाह के हाल पर छोड़ दें और उसी पर तवक्कल करें। आई एम श्योर कि आपकी टेंशनों में ज़रूर कमी आएगी। और डिस्पाइट ऑफ द जेंडर, दुआ और सपोर्ट करें पाकिस्तान के हर खेल को, पाकिस्तान की उस हर फील्ड को जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की और इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस साल हमें बहुत याद रखा, हमें बहुत दुआएँ दी, बहुत सपोर्ट किया। आई एम रियली रियली थैंकफुल। गुड लक, स्टे ब्लेस, हैव अ गुड गुड न्यू ईयर 2018। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नैन आबदी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2018 अराउंड द कॉर्नर है। मेरा न्यू ईयर पे ये खास करके यंगस्टर्स को मैसेज है कि 2018 में अपने और अपने एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें, अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव करें, और जिस फील्ड में भी काम करें वहाँ पर प्यार मोहब्बत और यूनिटी के साथ मिलजुल कर काम करें। और आई एम श्योर 2018 में आपके पास बहुत से चैलेंजेस आने वाले हैं, उसका डट के मुकाबला करें और हर चीज़ अल्लाह के हाल पर छोड़ दें और उसी पर तवक्कल करें। आई एम श्योर कि आपकी टेंशनों में ज़रूर कमी आएगी। और डिस्पाइट ऑफ द जेंडर, दुआ और सपोर्ट करें पाकिस्तान के हर खेल को, पाकिस्तान की उस हर फील्ड को जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की और इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस साल हमें बहुत याद रखा, हमें बहुत दुआएँ दी, बहुत सपोर्ट किया। आई एम रियली रियली थैंकफुल। गुड लक, स्टे ब्लेस, हैव अ गुड गुड न्यू ईयर 2018। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नैन आबदी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2018 अराउंड द कॉर्नर है। मेरा न्यू ईयर पे ये खास करके यंगस्टर्स को मैसेज है कि 2018 में अपने और अपने एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें, अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव करें, और जिस फील्ड में भी काम करें वहाँ पर प्यार मोहब्बत और यूनिटी के साथ मिलजुल कर काम करें। और आई एम श्योर 2018 में आपके पास बहुत से चैलेंजेस आने वाले हैं, उसका डट के मुकाबला करें और हर चीज़ अल्लाह के हाल पर छोड़ दें और उसी पर तवक्कल करें। आई एम श्योर कि आपकी टेंशनों में ज़रूर कमी आएगी। और डिस्पाइट ऑफ द जेंडर, दुआ और सपोर्ट करें पाकिस्तान के हर खेल को, पाकिस्तान की उस हर फील्ड को जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की और इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस साल हमें बहुत याद रखा, हमें बहुत दुआएँ दी, बहुत सपोर्ट किया। आई एम रियली रियली थैंकफुल। गुड लक, स्टे ब्लेस, हैव अ गुड गुड न्यू ईयर 2018। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नैन आबदी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2018 अराउंड द कॉर्नर है। मेरा न्यू ईयर पे ये खास करके यंगस्टर्स को मैसेज है कि 2018 में अपने और अपने एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें, अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव करें, और जिस फील्ड में भी काम करें वहाँ पर प्यार मोहब्बत और यूनिटी के साथ मिलजुल कर काम करें। और आई एम श्योर 2018 में आपके पास बहुत से चैलेंजेस आने वाले हैं, उसका डट के मुकाबला करें और हर चीज़ अल्लाह के हाल पर छोड़ दें और उसी पर तवक्कल करें। आई एम श्योर कि आपकी टेंशनों में ज़रूर कमी आएगी। और डिस्पाइट ऑफ द जेंडर, दुआ और सपोर्ट करें पाकिस्तान के हर खेल को, पाकिस्तान की उस हर फील्ड को जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की और इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस साल हमें बहुत याद रखा, हमें बहुत दुआएँ दी, बहुत सपोर्ट किया। आई एम रियली रियली थैंकफुल। गुड लक, स्टे ब्लेस, हैव अ गुड गुड न्यू ईयर 2018। ऑल द बेस्ट।